Hello, greetings to all of you. Welcome to Let's Crack Defense Examinations, the one-stop solution for all the defense examinations in India. आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है. शाम के 6:30 बज चुके हैं. हम लोग एक बार फिर से लाइव आ चुके हैं एक बहुत ही धमाकेदार सेशन के साथ. तो कौन कौन लाइव आ चुका है फटाफट मुझे रिस्पॉन्ड करें भाई साहब. शाम के 6:30 बज चुके हैं. हम लोग एक बार फिर से लाइव आ चुके हैं. तो जितने लोग चैनल पे नए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके. इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें ताकि और भी लोग हमारे साथ यहां पर जुड़ सकें. बहुत ही इंपॉर्टेंट और धमाकेदार सेशन होने जा रहा है आज फिर से. अंजुल सिंह आ जाइए. गुड इवनिंग, सभी का बहुत बहुत स्वागत है भाई. फटाफट आइए, बिल्कुल भी लेट ना करें ताकि हम लोग क्लास को स्टार्ट कर सके. भाई देख लीजिए, लेट्स क्रैक डिफेंस एग्जामिनेशंस कहते हैं. ये है बेटा वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल द डिफेंस एग्जामिनेशंस इन इंडिया. चाहे वो CDS हो, चाहे वो CAPF हो, FCAT हो, चाहे वो INET हो, चाहे टेरिटोरियल आर्मी हो, हर एक एग्जाम के लिए हमारी टीम आपके साथ लगी हुई है. आप देख सकते हैं हमारी टीम में भारत के वन ऑफ द टॉप एजुकेटर्स लगे हुए हैं. डॉक्टर रमेश सिसोदिया, रणधीर सिंह सर, विक्रांत पुंदीर सर, आप देख सकते हैं सब लोग यहाँ पर हैं. मयंक पांडे सर, संजय कुमार शर्मा सर, बहुत सारे लोग यहाँ पर हमारे साथ बने हुए हैं. तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लेट्स क्रैक डिफेंस एग्जाम में. सबसे पहले मैं आपको बता दूं हमारी ये सीरीज चल रही है बेटा मंडे टू फ्राइडे. आप देख सकते हैं शाम को 6:30 बजे एक्सप्रेस 365 डेज करंट अफेयर्स. तो एक्सप्रेस 365 डेज करंट अफेयर, हम लोग 365 दिन का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे. इस तरह से हमने शुरू किया है. मैंने आपको बताया कि हर दिन हम 2 दिन का करंट अफेयर पढ़ेंगे. कल हमने करंट अफेयर पढ़ा था आपका कौन सा, कल हमने 1 और 2 जनवरी पढ़ा था. आज हम लोग 3 और 4 जनवरी 2020 को पढ़ने वाले हैं. ठीक है बच्चों, तो आज 3 और 4 जनवरी 2020 होगा. देखो बच्चों, आप लोग हमेशा क्या करते हैं कि जब एग्जाम में 1 महीना बचता है तब आते हैं कि सर मुझे तैयारी करनी है, मुझे सिलेक्शन चाहिए. लेकिन आपको ये समझ में नहीं आता है कि बेटा ये UPSC का एग्जाम है. 1 महीने के सिलेक्शन में, 1 महीने की तैयारी में सिलेक्शन नहीं हो सकता. आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लगना पड़ेगा. हम आपके लिए पूरी तरह से लगे हैं तो आपको भी हमारे साथ उतनी ही मेहनत करके लगना पड़ेगा. अदरवाइज आपका सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल है. इसलिए बेटा आपको पढ़ना पड़ेगा. देखो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि CDS का पेपर नवंबर में है और CAPF का पेपर जो है आपका, आपको मालूम है कि अगस्त में है. तो अब आपके पास बहुत ज्यादा समय नहीं है बेटा. आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा समय नहीं है. इस पेपर में आपके पास 8 महीने हैं और इस पेपर के लिए तो हार्डली 4 महीने हैं. ठीक है बेटा, और याद रखिएगा कि एग्जाम में जो है कम से कम 8 महीने का करंट अफेयर्स तो चाहिए ही चाहिए. कम से कम 8 महीने का तो करंट अफेयर्स चाहिए. इसीलिए बेटा हमने जनवरी 2020 से करंट अफेयर्स शुरू किया है. याद रखिएगा, जनवरी 2020 से हमने करंट अफेयर्स स्टार्ट कर दिया है. होता क्या है कि आपको अंत में करंट अफेयर्स बहुत सारा एक साथ पढ़ना पड़ जाता है. हम नहीं चाहते कि आपको पूरा करंट अफेयर्स एक साथ पढ़ना पड़े. इसलिए हम लोग पर डे करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं. ठीक है, हम लोग पर डे करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं और हर दिन जो है 2 डे का करंट अफेयर पढ़ लेते हैं हम लोग. सो हर दिन 2 दिन का करंट अफेयर्स हम पढ़ते हैं अभी फिलहाल, क्योंकि हमें पिछले से आगे कन्वर्ट करना है. ठीक है बच्चों, ओके. तो हर दिन हम लोग जो है 2 दिन का करंट अफेयर्स पढ़ते हैं. कल हमने पढ़ा था 1 और 2 जनवरी. आज हमारा क्या होगा, आज हमारा 3 और 4 जनवरी हो जाएगा. सो आज 3 और 4 जनवरी हो जाएगा. करंट अफेयर्स पढ़ने के साथ साथ इसका PDF भी आपको मालूम है कहाँ मिलता है. इसका PDF जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलता है जिसका नाम है GS by Quasif Ansari. सो GS by Quasif Ansari मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहां पर जुड़ जाओ और बेटा वहां से मेरे आप जो हैं उठा सकते हैं. अब याद रखिएगा हर दिन के करंट अफेयर्स हम लोग पढ़ते हैं तो कोई गारंटी नहीं किस दिन कितने क्वेश्चन हो. कभी हो सकता है 2 दिन के 15 क्वेश्चन निकले, कभी 17 क्वेश्चन निकले, कभी 18 निकले, कभी 12 ही निकले. आज हमारे पास बेटा अच्छे खासे क्वेश्चंस हैं. आज हम लोग के पास 20 क्वेश्चंस हैं 3 और 4 जनवरी के. तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है क्योंकि आपके एग्जाम में ये पूछा जाने वाला है. देख सकते हैं आप बेटा, लेट्स क्रैक CDS FCAT CAPF विद इंडियाज लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म. आप देख सकते हैं यहाँ डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं, लाइव टेस्ट, क्विजेस, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हैं, अनलिमिटेड प्रैक्टिस है, स्ट्रक्चर स्टडी प्लान है. आप देख सकते हैं आपके कौन कौन से क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं. आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम आप लोग को प्लस पे स्पेशल क्लासेस देते हैं ताकि आप जो हैं अनअकैडमी प्लस के प्लेटफॉर्म से वर्स हो सकें. तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती हैं. उसके साथ साथ बेटा अनअकैडमी लर्निंग ऐप, भाई व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम रखते हो तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप क्यों नहीं है तुम्हारे पास. अगर नहीं है तो फटाफट डाउनलोड कर लो क्योंकि बेटा ये मैंडेटरी ऐप है भारत में. जो भी इंसान एग्जाम की तैयारी करता है उसके पास अनअकैडमी लर्निंग ऐप होनी ही चाहिए. याद रखिएगा सबके पास बेटा ये ऐप होना बहुत
मैंडेटरी है, जरूरी है, तो इसे डाउनलोड करके रखिए। ठीक है बच्चों, मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी 30 से ज्यादा कैटेगरीज में सेवाएं प्रोवाइड करता है, आप हमारे साथ किसी भी कैटेगरी में जुड़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, आप देख सकते हैं, आप हमारा सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का, 24 महीने का। सबसे अच्छे सब्सक्रिप्शन 12 महीने के और 24 महीने के हैं। ठीक है, 24 महीने का सब्सक्रिप्शन उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो अभी ग्रेजुएशन में नए हैं और आराम से एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं। मेरा कोड इस्तेमाल करो बेटा QALIVE, आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। ठीक है, याद रखिएगा, 24 महीने का सब्सक्रिप्शन का एक और फायदा यह है कि 24 महीने का सब्सक्रिप्शन काफी सस्ता है। आप देख सकते हैं कि 12 महीने की फीस 7200 है, 1 महीने की फीस 1400 है, तो 12 और 13 महीने की फीस में आपको जो है, आप देख सकते हैं, 24 महीने का सब्सक्रिप्शन मिलता है। सो 13 महीने की फीस में आपको 24 महीने का सब्सक्रिप्शन मिलता है। तो 24 महीने का सब्सक्रिप्शन उन लोगों के लिए अच्छा है जो आराम से एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, ग्रेजुएशन में नए हैं, तो आप 24 महीने का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। वैसे 12 महीने का सब्सक्रिप्शन जो है सबसे बेस्ट होता है। क्यों सबसे अच्छा 12 महीने का सब्सक्रिप्शन है, मैं आपको एक बार बता देता हूं, सुन लीजिए बच्चों। आपको साल में 2 बार CDS का पेपर देना है, 2 बार आपको साल में FCAT का पेपर देना है, आपको 2 बार INET का पेपर देना है साल में, आपको 1 बार जो है CAPF का पेपर देना है, और इसके साथ साथ बेटा आपको SSB की भी तैयारी करनी है। तो हम चाहते हैं कि आप पूरी तरह से लगे रहिए ताकि आपको जो है साल में 9 पेपर 8 पेपर दोगे तो कम से कम जो है बेटा आपके 3-4 पेपर तो क्लियर होंगे। इसलिए 1 साल का सब्सक्रिप्शन सबसे अच्छा है। QALIVE, मेरा कोड इस्तेमाल करो और 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट चाहिए। ठीक है, अगर आपको लगता है कि इस बार आपको पेपर निकालना है और भारतीय सेना में अफसर बनना है तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी, हमारा नया बैच शुरू हो रहा है 13 अप्रैल 2020 से, देख सकते हैं आप, 120 दिन का मास्टर कोर्स है CDS 2 और CAPF के लिए। बेटा देखो, CDS वालों के लिए तो आगे भी मौका मिलेगा, लेकिन CAPF वालों के लिए मैं बता दूं लास्ट मौका, इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। 120 दिन का कोर्स है और CAPF की जो लोग तैयारी कर रहे हैं इसके बाद नहीं कर सकते, क्योंकि 120 दिन लास्ट होता है, इसके बाद अब नहीं कर सकते। ये बैच बेटा रिटर्न प्लस SSB दोनों को कवर करेगा और इसमें इसमें जो है पेपर 1 और पेपर 2 दोनों होगा, सब कुछ कवर कराया जाएगा। CDS के लिए भी ये बैच है, इसमें 300 प्लस स्टडी आवर्स हैं, 200 प्लस लाइव क्लासेस हैं, PDF हैं, क्विजेस हैं, डेडिकेटेड डाउट सेशन है, कंप्लीट SSB प्रिपरेशन है और इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स यहां पर आपको पढ़ा रहे हैं। हेल्पलाइन नंबर आप देख सकते हैं 8851900221, आप हमें इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, सुबह 9 बजे से लेकर रात 9 बजे तक ये हेल्पलाइन नंबर खुला रहता है, जब चाहें आप हमारे साथ यहां पर जुड़ सकते हैं, याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस कोर्स को, कौन कौन पढ़ाने वाला है, मैथ्स यहाँ पर रणधीर सर पढ़ाएंगे, इंग्लिश डॉक्टर अमित सिसोदिया पढ़ाएंगे, SSB की पूरी तैयारी संजय शर्मा सर कराएंगे, CAPF की रीजनिंग जो है मोहित कवात्रा सर कराने वाले हैं। मैं आपको इस बैच में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स पढ़ाऊंगा और साइंस का सेक्शन आपको नीतू ढाका मैम पढ़ाएंगी। सो उम्मीद करता हूं सबको क्लियर हो गया है, बहुत बढ़िया, शुरू किया जाए सेशन भाई आज का। सब लोग जल्दी बताइए, शेयर करिए भाई फटाफट, बहुत बढ़िया, शाबाश, क्या बात है जवानों। बेटा मैं इस बार लगा हुआ हूं, सच बता रहा हूं, मैंने कसम खा ली है कि मैं इस बार भारत सरकार को कम से कम 300 अफसर दूंगा इस साल, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैं भैया लगा हुआ हूं, तुम लोग के लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूं, बहुत क्वेश्चंस बना रहा हूं। ठीक है, ओके, ये नया बैच आ रहा है बेटा 13 अप्रैल से, 2 मार्च का बैच हमने बंद कर दिया, अब हम और उसमें नहीं ले सकते। ठीक है बेटा, तो बहुत मेहनत कर रहा हूं, फ्रेश क्वेश्चंस बना रहा हूं, तुम्हें भी मेरे साथ लगना पड़ेगा, अगर मैं तुम्हारे साथ लगाऊं तो तुम्हें भी मेरे साथ लगना पड़ेगा। और मैं बता दे रहा हूं, अगर नहीं आओगे क्लास में, मैं बंद कर दूंगा सीरीज, तो तुम्हारा यहां पर जिम्मेदारी है, तुम्हें आना है, मैं तुम्हारे लिए फ्री में पढ़ा रहा हूं, तुम्हारे लिए याद रखना रात भर जग रहा हूं, तो तुम्हें भी मेरा साथ देना पड़ेगा और यहां पर लगना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया, शाबाश, शुरू किया जाए, जय हिंद, बहुत बढ़िया, शाबाश बाबा, शाबाश शाबाश। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, ये देख सकते हैं 3 जनवरी का, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटीग्रेटेड हेल्पलाइन नंबर हैज बीन लॉन्च्ड बाय इंडियन रेलवेज फॉर क्विक ग्रीवियंस एंड इंक्वायरीज फॉर द पैसेंजर ड्यूरिंग द जर्नी। जल्दी बताइए बेटा, आपको मालूम है कि भारतीय रेलवे ने एक इंटीग्रेटेड हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है क्विक ग्रीवियंस और इंक्वायरीज के लिए अपने पैसेंजर्स जो जर्नी के दौरान होते हैं। क्या हेल्पलाइन नंबर है? 141-140-139-138, जल्दी बताइए। सो भारत सरकार की इंडियन रेलवेज ने कौन सा इंटीग्रेटेड हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया है अपने पैसेंजर्स के लिए, याद रखिएगा 139 जो है बेटा भारतीय रेलवे ने जो है ये शुरू किया है अपने पैसेंजर्स के लिए, ग्रीवियंस के लिए और इंक्वायरीज के लिए अपनी जर्नी के दौरान। याद रखिएगा, ये जो हमारा नंबर है ये 12 भाषाओं में अवेलेबल है। कितनी भाषाओं में? 12 भाषाओं में अवेलेबल होता है। यहां पर आप जो है जनरल कंप्लेंट्स, एक्सीडेंट, सेफ्टी इश्यूज सबके बारे में
खबर पहुंचा सकते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हेल्पलाइन नंबर है 139, याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, दूसरा क्वेश्चन देखो बेटा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। आपको मैंने कहा है कि नॉर्थ ईस्ट ईस्टर्न स्टेट, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं भारत के, वहां से बेटा क्वेश्चंस उठते हैं और खास तौर से उनके फेस्टिवल्स के बारे में बहुत ज्यादा उठते हैं। विच स्टेट है सेलिब्रेटेड द रिचुअलिस्टिक फेस्टिवल लाई हरोबा? अभी भी आपने देखा होगा CDS 1 2020 में भी एक फेस्टिवल पूछा गया था। इस बार देखो एक और फेस्टिवल बनाया गया है, रिचुअलिस्टिक फेस्टिवल लाई हरोबा, कहां पर बनाया गया है? आसाम, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, जल्दी बताओ। सो विच स्टेट है सेलिब्रेटेड द रिचुअलिस्टिक फेस्टिवल जिसका नाम था लाई हरोबा, जल्दी बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखिएगा। 5 दिन का रिचुअलिस्टिक फेस्टिवल होता है ये, 5 डे रिचुअलिस्टिक फेस्टिवल है ये, आसाम में, नागालैंड में, त्रिपुरा में, या जल्दी बताइए। याद रखिएगा, मणिपुर की मैती कम्युनिटी होती है जो इसको बनाती है, और ये फेस्टिवल जो है आपका त्रिपुरा में मनाया जाता है, याद रखिएगा। हालांकि जो कम्युनिटी इसके साथ जुड़ी हुई है वो मणिपुर की मैती कम्युनिटी है, और जो फेस्टिवल है उसका नाम होता है लाई हरोबा, और वो त्रिपुरा मनाया जाता है। बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर सी है, बहुत बढ़िया आंसर है, बहुत अच्छे आंसर, बहुत बढ़िया, शाबाश। तीसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज डिक्लेयर्ड 2020 एज द ईयर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जल्दी बताइए। तो कौन से राज्य ने सन 2020 को ईयर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बताया है, जल्दी बताइए। सो ईयर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौन से राज्य ने जो है 2020 को ईयर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस घोषित किया है? तेलंगाना है, मध्य प्रदेश है, केरला है, या कर्नाटका है, जल्दी बताइए। सो कौन सा राज्य जो है उसने सन 2020 को ईयर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस घोषित किया है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताइए। तेलंगाना, मध्य प्रदेश, केरला या कर्नाटका? तो मैं आपको बता दूं जो स्टेट ने ईयर को घोषित किया है, सो याद रखिएगा, तेलंगाना ने किया है। तेलंगाना के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर जिनका नाम है तारका रामा राव, उन्होंने डिक्लेयर किया है 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ईयर। याद रखिएगा, यहां पर जो है इन्होंने 8 कंपनियों के साथ जो है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके साथ साथ 8 कंपनियों के साथ साथ याद रखिएगा, इन्होंने जो है आईटी खड़गपुर के साथ टाई अप किया है ताकि ईयर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बनाया जा सके। बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 3 राइट आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 4, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ साइबर सेफ वुमेन कैंपेन टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सोशल रिफॉर्मर सावित्री बाई फूले? ये आंसर आप अपने आप दे सकते हो, मुझे मालूम है, जल्दी बताइए। सो किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है साइबर सेफ वुमेन कैंपेन टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सोशल रिफॉर्मर सावित्री बाई फूले, जल्दी बताइएगा। सो नाम से ही मालूम चल रहा है सावित्री बाई फूले, भैया कौन से राज्य के हो सकती हैं, जल्दी बताइएगा। तो किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है साइबर सेफ वुमेन कैंपेन टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी सावित्री बाई फूले? इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू रिड्यूस द साइबर क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रेन। सो महिलाओं के खिलाफ जो साइबर क्राइम होते हैं और बच्चों के खिलाफ होते हैं उसको खत्म करने के लिए शुरू किया गया बेटा सावित्री बाई फूले। फूले एक कास्ट होती है जो कि आपको महाराष्ट्र में मिलेगी, राइट आंसर सी होगा बेटा, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने शुरू किया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट आंसर जो है वो महाराष्ट्र है, बहुत बढ़िया। शेयर होते रहना चाहिए, शेयर करते रहिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट सेशंस हैं आपके लिए, पूरे साल का करंट अफेयर्स है। याद रखिएगा, आपको कोई किताब नहीं पढ़नी, कोई मैगजीन नहीं देखी, कोई वेबसाइट नहीं देखना, कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना, कोई हिंदू पढ़ के टाइम नहीं आपको अपना यूज करना है, कुछ का नहीं करना है बेटा। दिन में 2 घंटे हिंदू पढ़ने से अच्छा है आधे घंटे शाम को आगे करंट अफेयर पढ़ लो, यहाँ पे सब कुछ हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो उस समय को जो है दूसरी चीज पढ़ाई करने में इस्तेमाल करो, ठीक है बेटा, उसे हिंदू पढ़ने में और न्यूज़पेपर पढ़ने में और टीवी देखने में वेस्ट ना करो, यहां से पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो विल एस्टैब्लिश इट्स सेकेंड लॉन्च पोर्ट टू लॉन्च स्मॉल सैटेलाइट व्हीकल्स? भाई आपको मालूम है कि इसरो का जो स्मॉल सैटेलाइट व्हीकल्स लॉन्च होती हैं, इसरो की जो स्मॉल सैटेलाइट व्हीकल्स लॉन्च होती हैं वो जो है कहाँ से होती हैं? वो बेटा थुम्बा से होती हैं, जो कि कहाँ पर है, वो कि केरला में है, त्रिवेंद्रमपुरम के पास, आपको मालूम होना चाहिए। अब सेकेंड लॉन्च पोर्ट लॉन्च करने जा रहा है, जल्दी बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसरो ने द सेकेंड पोर्ट ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च, बता दूं आपको, इसकी शुरुआत 1969 में हुई थी, ये बैंगलोर में स्थित है, भारत का सबसे बड़ा जो है ये इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। और जो इन्होंने स्टार्ट किया है वो कहां कर रहे हैं? टूथोकोडी तमिलनाडु में।
तुथुकोडी तमिलनाडु याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि इसरो का पहला पहला लॉन्च पोर्ट कहां पर है, तो इसरो का पहला लॉन्च पोर्ट जो है वो आपका कहां पर है, थुम्बा में, थुम्बा जो कि तिरुवनंतपुरम केरला में स्थित है, याद रखिए। दूसरा जो है तूठुकोडी तमिलनाडु में बनने जा रहा है, 2300 एकड़ में बनेगा, याद रखिएगा। छठा क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट फीमेल चांसलर ऑफ द यूनाइटेड किंगडम्स क्वींस यूनिवर्सिटी, पहली महिला चांसलर, याद रखिएगा, पहली महिला चांसलर ऑफ यूनाइटेड किंगडम्स क्वींस यूनिवर्सिटी। सो क्वींस यूनिवर्सिटी की पहली महिला चांसलर, जल्दी बताइएगा जल्दी बताइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 72 इयर्स ओल्ड कौन है, हिलेरी रॉडमैन क्लिंटन, चेल्सी क्लिंटन, सोनम कपूर, एलिजाबेथ वॉरन। अब सोनम कपूर भी तो चांसलर बन नहीं सकती वैसे, एनीवेज, तो जल्दी बताइए, तो किसे जो है फर्स्ट फीमेल चांसलर ऑफ द यूनाइटेड किंगडम क्वींस यूनिवर्सिटी, बहुत ही फेमस है यूनाइटेड किंगडम की क्वींस यूनिवर्सिटी, और हिलेरी रॉडमैन क्लिंटन जिनकी उम्र 72 साल है, ये पहली फीमेल चांसलर ऑफ द यूके की क्वींस यूनिवर्सिटी भी बनी है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द, बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट, फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द एनएमसी, नेशनल मेडिकल कमीशन। आपको मालूम है हमारे देश में रिसेंटली शुरू किया गया है, हमारे देश में रिसेंटली शुरू किया गया है, जिसका नाम है नेशनल मेडिकल कमीशन। नेशनल मेडिकल कमीशन के पहले चेयरमैन कौन है, जल्दी बताइए फटाफट, जल्दी बताइए, फर्स्ट एवर चेयरमैन ऑफ नेशनल मेडिकल कमीशन, जल्दी बताइए फटाफट। तो कौन है, सुरेश चंद्र शर्मा है, महेश वर्मा है, राजेंद्र पांडे है, सुरेंद्र वर्मा है। तो मैं आपको बता देता हूं कि एम्स के प्रोफेसर, एम्स के जो है सीनियर प्रोफेसर जिनका नाम है सुरेश चंद्र शर्मा, सुरेश चंद्र शर्मा साहब को जो है फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द नेशनल मेडिकल कमीशन बनाए गए हैं। बहुत बढ़िया, राइट आंसर ए होगा क्वेश्चन नंबर 7 का, सुरेश चंद्र शर्मा साहब को जो है फर्स्ट चेयरमैन, पहले चेयरमैन है नेशनल मेडिकल कमीशन के। विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स हैज बीन डेजिग्नेटेड बाय द WHO टू बी ऑब्जर्व्ड एज द ईयर ऑफ नर्सेज एंड मिडवाइफ, बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कौन से ईयर को WHO ने, याद रखिएगा, ईयर ऑफ नर्सेज एंड मिडवाइफ घोषित किया है, जल्दी बताइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, ठीक है, आपको मालूम है कि इस जो नर्सिंग की बात आती है तो नर्सिंग में सबसे बड़ा नाम किसका है, तो नर्सिंग में सबसे बड़ा नाम जो है बेटा, याद रखिएगा, फ्लोरेंस नाइटिंगल का है, और उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर WHO ने, याद रखिएगा, कि ऑब्जर्व किया है ईयर ऑफ नर्सेज एंड मिडवाइफ, याद रखिएगा, 200 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगल। फ्लोरेंस नाइटिंगल का जन्म सन 1820 में हुआ था और ये उनकी 200 एनिवर्सरी थी, और इस चक्कर में जो है उसे जो है ईयर ऑफ नर्सेज एंड मिडवाइफ। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगला क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफेंस वालों के लिए, ये एग्जाम में जरूर आना चाहिए। हाउ मेनी यंग साइंटिस्ट लेबोरेटरीज ऑफ द DRDO वॉज अनवील्ड बाई द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ड्यूरिंग एन इवेंट इन बैंगलोर, जल्दी बताइएगा। सो हाउ मेनी यंग साइंटिस्ट लेबोरेटरीज हमारे देश में बेटा, याद रखिएगा, यंग साइंटिस्ट लेबोरेटरीज बनाई जा रही हैं DRDO की। सो ये जल्दी बताइएगा, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने कितनी यंग साइंटिस्ट लेबोरेटरीज का अनावरण किया था, जल्दी बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंगलोर में बैठ के उन्होंने किया है, याद रखिएगा। मैं आपको बता देता हूं कि प्रधानमंत्री साहब ने 5 लेबोरेटरीज का उद्घाटन किया है। ये कहां कहां बनेंगी मैं आपको बता देता हूं। ये 5 लेबोरेटरीज जो हैं आपकी, सबसे पहली बैंगलोर में बनेगी, दूसरी है मुंबई में, तीसरी है चेन्नई में, कोलकाता में और हैदराबाद में, याद रखिएगा, ये एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। सो यंग साइंटिस्ट लेबोरेटरीज 5 जगह बनेंगी मुंबई में, बैंगलोर में, मुंबई में, चेन्नई में, कोलकाता, हैदराबाद, याद रखिएगा। सो 5 लेबोरेटरीज की जो है अनवील किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने, और ये जो है बैंगलोर से इसकी शुरुआत होती है। 5 लेबोरेटरीज बैंगलोर, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और हैदराबाद में बनाई जाएंगी, याद रखिएगा, यंग साइंटिस्ट लेबोरेटरीज हैं ये DRDO की, प्रधानमंत्री साहब ने इसका उद्घाटन किया या अनावरण किया। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड आई स्टेम पोर्टल फॉर द रिसर्चर्स, जल्दी बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट। कौन से मंत्रालय ने आई स्टेम पोर्टल स्टार्ट किया रिसर्चर्स के लिए? प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी लॉन्च द इंडियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग फैसिलिटी आई मैप आई स्टेम पोर्टल, जल्दी बताइएगा। बैंगलोर में किया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जल्दी बताइएगा किसके लिए किया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और ये जो है बेटा आई स्टेम पोर्टल जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने किया है, और ये याद रखिएगा राइट आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। खास तौर से याद रखिएगा,
आपके डिफेंस एग्जाम में मिनिस्ट्री वाले बहुत क्वेश्चंस आते हैं, याद रखिएगा। सो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी याद रखिएगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्कीम है याद रखिएगा। सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च द इंडियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग फैसिलिटी मैप याद रखिएगा, आई स्टेम इसका नाम दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 पूछता है, विच मिनिस्ट्री ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज हैज सेट अप अ न्यू नोडल डिवीजन नेस्ट न्यू इमर्जिंग एंड स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज टू डील विद द इश्यूज लाइक न्यू एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, जल्दी बताइए। सो नोडल डिवीजन स्टार्ट किया है किस मंत्रालय ने, जिसका नाम है नेस्ट, जिसे हम कहते हैं न्यू इमर्जिंग एंड स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी, जल्दी बताइए। न्यू इमर्जिंग एंड स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी टू डील विद द इश्यूज लाइक न्यू एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, जल्दी बताइए किसने किया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। न्यू इमर्जिंग एंड स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज डिवीजन नोडल ऑफिस विद इन द मिनिस्ट्री टू डील विद द न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, नेस्ट हेल्प द कंट्री टू कोलैबोरेट विद अदर कंट्रीज इन द फील्ड ऑफ 5G एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, याद रखिएगा। सो 5G और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए किया गया है, और राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। सो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने किया है, याद रखिएगा, राइट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर यह है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन हैज सेट अप इट्स फर्स्ट एवर सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट, बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन जो KVIC हमारे देश में है, याद रखिएगा, आज तक जो है इन्होंने कभी भी सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट नहीं लगाया था, लेकिन अब भारत के इतिहास में पहली बार सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट लगाया गया है, जल्दी बताइएगा कहां पे लगाया गया है, जल्दी बताइए फटाफट, ठीक है। 75 लाख रुपए खर्चा किए गए हैं, ठीक है, 75 लाख रुपए की लागत से जो है पहला सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट जो है ये लगाया गया है, याद रखिएगा, आपका सुरेंद्र नगर में। सुरेंद्र नगर कहां पर है बेटा, गुजरात में। सो गुजरात के सुरेंद्र नगर में भारत का पहला एवर सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट, तो भारत का पहला एवर सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट जो है गुजरात के। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन जो हमारे देश में है KVIC, उसने पहला सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट कहां लगाया है, सुरेंद्रनगर गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 13, द वर्ल्ड ब्रेल डे, वर्ल्ड ब्रेल डे कब मनाया जाता है, ये तो आसान क्वेश्चन है, आपको मालूम होना चाहिए। वर्ल्ड ब्रेल डे आपको मालूम है, ब्रेल डे किसके लिए होता है, जो लोग बेटा जिनकी आंखें नहीं होती हैं, जो कि ब्लाइंड लोग होते हैं उनके लिए वर्ल्ड ब्रेल डे इज ऑब्जर्व किस दिन होता है, ये किसकी एनिवर्सरी पे बनाया जाता है, तो मैं आपको बता देता हूं, ये बनाया जाता है बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लुईस ब्रेल, याद रखिएगा, जिन्होंने बेटा इन्वेंटेड द कोड इन 1821, याद रखिएगा, फ्रेंच पर्सन है जिनका नाम है लुईस ब्रेल, उनके नाम पर है, और इन्होंने जो है एक ब्रेल लिपि बनाई थी, जिसके वजह से याद रखिएगा जो ब्लाइंड लोग होते हैं उन्हें पढ़ने में मदद मिलती है, और वर्ल्ड ब्रेल डे जो होता है 4 जनवरी को मनाया जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर ए है। 14 नंबर, विच इंडियन स्टेट्स हैज सेट अप द फर्स्ट एवर रिहैबिलिटेशन सेंटर फॉर द फ्रेश वाटर टर्टल्स इन इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिहैबिलिटेशन वाले क्वेश्चन, एनिमल्स के रिहैबिलिटेशन वाले क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं, याद रखिएगा, CDS वगैरह में, CAPF वगैरह में। सो भारत का पहला राज्य जिसने रिहैबिलिटेशन सेंटर फॉर फ्रेश वाटर टर्टल्स, सो फ्रेश वाटर टर्टल्स के लिए जल्दी बताइए कहां पे लगाया गया है, जल्दी बताइएगा, यहां पर 500 टर्टल्स को रखा जा सकता है, और कहां पर बनाया गया है, जल्दी बताइए, बिहार, यूपी, पंजाब, केरला। सो कौन से स्टेट में फर्स्ट एवर रिहैबिलिटेशन सेंटर फॉर द फ्रेश वाटर टर्टल्स, तो याद रखिएगा फ्रेश वाटर टर्टल्स के लिए जो है पहला रिहैबिलिटेशन सेंटर जो है बिहार के भागलपुर में बनाया गया है। सो बिहार के भागलपुर में लगाया गया है जनवरी 2020 में, जहां पर बेटा याद रखिएगा 500 टर्टल्स का रिहैबिलिटेशन किया जा सकता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है। जय हिंद, आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज अपॉइंटेड जनरल इस्माइल कानी एज द कमांडर ऑफ द मिलिट्री यूनिट रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉरन ऑपरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट देखो 15 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, आपको मालूम होना चाहिए बेटा कि कुर्द फोर्सेस के बारे में आपने सुना होगा, कुर्द फोर्सेस, और कुर्द फोर्सेस के जो लीडर थे जिनका नाम था बेटा मेजर जनरल सुलेमानी साहब, आपको मालूम होगा उनकी हत्या कर दी गई थी, अमेरिका ने जो है बेटा एक अटैक में जो है सुलेमानी की हत्या की थी, उसके बाद जो है जनरल इस्माइल कानी साहब को नियुक्त किया गया है कमांडर ऑफ द मिलिट्री यूनिट रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉरन ऑपरेशन, ऑब्वियसली बेटा ईरान में होगा, आपको मालूम होना चाहिए जनवरी 2020 में जो है शुरुआती दिनों में 2 या 3 तारीख की बात है,
आपको मालूम होना चाहिए कि मेजर जनरल जो है सुलेमानी की हत्या की गई थी, उसके बाद जो है मेजर जनरल इस्माइल कानी साहब को लाया गया है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि किस फोर्सेस के हेड हैं बेटा, ये कुर्द फोर्सेस होती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट उनके हेड हैं, ठीक है। कासिम सुलेमानी, हाँ कासिम सुलेमानी के जगह पर इस्माइल कानी आए हैं, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, हु हैज वन द 100 ग्लोबल चाइल्ड, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, 100 ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड इन द सिंगिंग कैटेगरी फॉर सिंगिंग इन 120 लैंग्वेजेस। आपको मालूम होना चाहिए ये लड़की जो है 120 भाषाओं में गाना गा सकती है, और इसीलिए जो है 100 ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड मिला है, याद रखिएगा, एक भारतीय लड़की उसको मिला है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है बेटा। ये हमारी भारतीय लड़की है जो कि दुबई में रहती है, उसको मिला है बेटा ये अवार्ड। क्या नाम है इनका जल्दी बताइएगा फटाफट, अंजना शर्मा है, ठीक है बेटा, अंजना शर्मा है, प्रिया गांधी हैं, सरिता सिंह है या सुचेता सतीश हैं, जल्दी बताइएगा। सो 100 ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड इन द सिंगिंग कैटेगरी फॉर सिंगिंग इन 120 लैंग्वेजेस, राइट आंसर इज सुचेता सतीश, याद रखिएगा। तो सुचेता सतीश हैं बेटा जो कि हमारी जो हैं दुबई में रहती इंडियन गर्ल हैं, और इन्होंने जो है 120 भाषाओं में गाना गा सकती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, देखो इसरो के बहुत क्वेश्चन आते हैं, है सेट अप इज फोर्थ रीजनल एकेडमिक सेंटर फॉर स्पेस, RACS, रिसेंटली एड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो बेटा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने सेटअप किया है फोर्थ रीजनल एकेडमिक सेंटर फॉर स्पेस, RACS, रिसेंटली कहां पर लगाया है जल्दी बताइएगा। सो इसरो ने जो है फोर्थ रीजनल एकेडमिक सेंटर फॉर स्पेस RACS कहां पे लगाया है जल्दी बताइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जल्दी बताइए फटाफट। जल्दी बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहां पर, रांची में है, सूरत खल में है, पटना में, विशाखापट्टनम में है, तो याद रखिएगा इसरो ने जो है फोर्थ रीजनल एकेडमिक सेंटर फॉर स्पेस जो है NIT कर्नाटका सूरत खल में लगाया है, राइट आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर बी है, सूरत खल कर्नाटका, याद रखिएगा, NIT कर्नाटका जो है वहां पे लगाया गया है मैंगलोर में, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फिश वॉज डिक्लेयर एक्सटिंक्ट बाई चाइना, जल्दी बताइए। हाँ जल्दी बताइएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस रिवर, इस नदी को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस मछली को पांडा ऑफ द यांगसे रिवर कहा जाता था, बहुत बड़ी मछली होती है, इसे कहा जाता था पांडा ऑफ द यांगसे रिवर, याद रखिएगा। यांगसे रिवर आपको मालूम है कि पूरे एशिया की सबसे बड़ी रिवर है, और इस मछली को कहते थे पांडा ऑफ द यांगसे रिवर। इस मछली को एक्सटिंक्ट घोषित किया है चाइना ने, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बड़ी मछली होती थी, जल्दी बताइए नाम क्या है इसका, पांडा ऑफ द यांगसे रिवर को कहते थे, और बेटा याद रखिएगा ओवर फिशिंग की वजह से ये एक्सटिंक्शन का शिकार हुई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है द जाइंट पैडल फिश, याद रखिएगा, जाइंट पैडल फिश, जिसे पांडा ऑफ द यांगसे रिवर के नाम से भी जाना जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर सी है। 19, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स हैज बीन लॉन्च बाय द आंध्र प्रदेश टू प्रोवाइड द फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट टू द पुअर ऑफ द स्टेट, तो गरीबों की मदद करने के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आंध्र प्रदेश ने कौन सी स्कीम चालू की है, याद रखिएगा, ठीक है, मेडिकल ट्रीटमेंट करने के लिए, याद रखिएगा, इस स्कीम की शुरुआत जो है उलूरू जगह पे हुई है, इलूरू जो कि वेस्टर्न गोदावरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश में है, याद रखिएगा। इस स्कीम का नाम क्या है, YSR पुअर हेल्प, YSR आरोग्यशरी भरोसा, YSR आयोगशरी स्कीम, या YSR जलायग्नम, जल्दी बताइएगा इस स्कीम का नाम क्या है। इस स्कीम का नाम है YSR आरोग्य शक्ति स्कीम, याद रखिएगा। इसकी शुरुआत एलूरू नाम के एक गांव से हुई है जो कि वेस्टर्न गोदावरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश में स्थित है, याद रखिएगा। और लास्ट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, हु इज द ऑथर ऑफ द ब्रेल वर्जन ऑफ द बुक एग्जाम वॉरियर, ठीक है बेटा, एग्जाम वॉरियर के नाम की आपने किताब सुनी होगी, और इसका ब्रेल वर्जन आया है ब्लाइंड्स के लिए। सो इसका ब्रेल वर्जन आया, आपको मालूम होना चाहिए, ब्लाइंड्स के लिए जो लोग देख नहीं सकते। इस किताब को किसने लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट, मनोज वर्मा, नरेंद्र मोदी, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली। इस किताब का जो बेटा ब्रेल वर्जन है वो बेटा हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब ने जो है ऑथर ऑफ द बुक है, याद रखिएगा, एग्जाम वॉरियर। ये हो गया बेटा 20 क्वेश्चन, देखो बेटा 30 मिनट मैंने आपके लिए, एग्जैक्ट 30 मिनट्स बस पढ़ना है, करंट अफेयर्स खत्म। मजा आया कि नहीं आया, जल्दी से सब लोग थम्सअप दिखाएं, मजा आया कि नहीं आया, और लाइक बटन जरूर दिखा देंगे अगर क्लास अच्छी लगी हो, ठीक है बेटा।
ये बेटा राहुल सिंह राठौर, मैंने जनवरी से शुरू किया है, जनवरी 1 से शुरू किया है 2020, तो ये इस साल के CDS, CAPF, FCAT हर एग्जाम में कम आएगा, हर एग्जाम में काम आएगा। डेली तुम्हारे 30 मिनट्स लूंगा मैं, 30 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा, लेकिन 30 मिनट में तुम्हें दो दिन का करंट अफेयर्स करा दूंगा। तो बस अब तुम्हें कोई भी किताब, कोई भी मैगजीन, कोई भी वेबसाइट कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमारे साथ जुड़े रहो, बहुत है बेटा। ठीक है, समझ में आ गया भैया? तो सिर्फ इतना करो। पीडीएफ, पीडीएफ कहां मिलेगा? मेरा जाकर टेलीग्राम चैनल है मेरा, जीएस भाई कासिफ अंसारी, वहां से उठा लो जाकर, अभी डाल दूंगा, क्लास खत्म होते ही पीडीएफ जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पर जीएस भाई कासिफ अंसारी पर मिल जाएगा। अब आप पूछोगे सर कल क्या करेंगे, सो कल शाम को 6:30 बजे जो है बेटा हम लोग क्या करने वाले हैं, कल 5th और 6th जनवरी, कल 5 और 6 जनवरी 2020 को पढ़ेंगे। सो एक दो हो गया, 3-4 हो गया, कल 5 और 6 को पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो इस तरह से हम लोग करेंगे, कल 5 और 6 जनवरी को करेंगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि हर दिन दो दो दिन का कर रहे हैं, ठीक है। सो हर दिन दो दो दिन का करते जाएंगे, इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। तो हमारी दो सीरीज चल रही हैं, एक दोपहर को 12 बजे जहां पर बेटा तुम्हें जीएस के क्वेश्चन डिसाइड सारे के सारे क्वेश्चन करा रहा हूं, 1500 क्वेश्चन, और एक शाम को 6:30 बजे, ये बेटा करंट अफेयर्स है। इतना कर लेना, सीडीएस में 50+ और CAPF में 120+ जीएस में पहुंचाऊंगा बेटा, याद रखना, बस इतना कर लेना, ठीक है। कोई जरूरत नहीं है न्यूज़पेपर पढ़ने की, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। दीपक वर्मा, इस क्लास का टाइम शाम को 6:30 बजे और 12 बजे जो है प्रैक्टिस सीरीज, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। और आप देख सकते हैं हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है 13 अप्रैल से। अब तुम्हें कंसेप्चुअल डेटा भी पढ़ना है और तुम्हें भैया श्योर शॉर्ट सिलेक्शन चाहिए तो भाई हमारे बैच में आ सकते हो, इसका हेल्पलाइन नंबर भी तुम्हारे सामने है, यहां पर हमारे साथ जुड़ सकते हो, मेरा कोड इस्तेमाल करना QALIVE, 10% का डिस्काउंट मिलेगा। देखो बेटा, एक साल की फीस 8,000 रुपए है, लेकिन मेरा कोड इस्तेमाल करके वो सिर्फ 7200 रुपए पड़ेगी। मैं तुम्हें एक बात बता दूं बेटा, 7200 रुपए में भारत में आपको कोई भी पूरे रिटर्न और SSB की तैयारी नहीं करा सकता, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं। लेकिन बेटा अब ये एक बहुत छोटी कीमत है सिर्फ उसके लिए है जो हमारा खर्चा आता है आप लोग को क्लास पढ़ाने के लिए, तो बस हम आपसे सिर्फ उतनी ही फीस लेंगे, उससे ज्यादा नहीं लेंगे, ठीक है बच्चों। सो 300+ स्टडी आवर्स, 200+ लाइव क्लासेस, PDF क्विजेस, डेडिकेटेड डाउट सेशन, कंप्लीट SSB और इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स, यहां पर जो एजुकेटर्स हैं बेटा उनके पास टन्स ऑफ एक्सपीरियंस है। मैं आपको बता दूं, रणधीर सर हैं मैथ्स के लिए, डॉक्टर अमित सिसोदिया इंग्लिश के लिए, संजय कुमार शर्मा सर SSB के लिए, मोहित कवात्रा सर रीजनिंग के लिए, नीतू धागा मैम साइंस के लिए, और मैं हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स के लिए, ठीक है। बहुत बढ़िया, अभिषेक शुक्ला UPSC, थैंक यू सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए कल मिलते हैं, जब तक अपना ध्यान रखिएगा, थैंक यू सो मच, लेट्स क्रैक डिफेंस एग्जामिनेशंस, मेरा कोड इस्तेमाल करिएगा, Unacademy का नारा है, लेट्स क्रैक इट, एग्जाम को निकालेंगे नहीं बेटा, उसे जड़ से उखाड़ देंगे। हैव अ नाइस डे एंड डू टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू।